बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके का कैरेक्टर है आपका इसमें। यहाँ पे मैंने आप सबका ही कैरेक्टर किरदार को निभाया है, सो एज ए जर्नलिस्ट हूँ मैं इस मूवी में। एंड इसीलिए मतलब यू नो आप सबकी दुविधा को भी समझ पाती हूँ मैं कहीं ना कहीं। सो यस, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो विक्टिम है उसे जस्टिस मिले, बट अगेन उसके भी कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं, कुछ यू नो बाधाएं होती है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाती हैं, बट बाकी आपको तो मूवी देख के समझ में आ ही जाएगा। और फिल्म की बात करें तो बताना चाहें इस फिल्म की कहानी किस तरीके से, और मैंने जहां तक सुना कि कुछ मैसेज भी दे रही है ऑडियंस। जी 100%। सो हम एक्चुअली इस मूवी के थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम लाइक एक रेप विक्टिम जब एक इंसिडेंट होता है वैसे तो हम उसे एज ए क्राइम टू ट्रीट करते हैं, बट स्टिल वी डोंट ट्रीट इट एज हेनियस क्राइम। कि ऐसे बोला जाता है कि जब तक उसका वो लड़की या वो विक्टिम जो भी होता है वो जब तक उसका मर्डर नहीं हो जाता है और ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट किल्ड बाय द अक्यूज, तब तक वो हेनियस नहीं होता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आई मीन इट्स समथिंग, इट्स नॉट अ जोक, कम ऑन। आप मतलब किसी का अस्तित्व आप ख़त्म कर देते हो, एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू लाइक कि कोई एज लिमिट है या कुछ कुछ भी नहीं। ये जो जानवर होते जो अक्यूज्ड होते हैं दे आर लाइक डेंजरस देन एनिमल्स। मतलब आप शायद एक शेर को भी पाल लोगे तो कहीं ना कहीं वो 10 बार सोचेगा, कभी ना कभी कंसिडर करेगा, कुछ ना करेगा, पर ये जो इंसान होते हैं दे आर लाइक नॉट लेस देन मॉन्स्टर्स, दे आर नॉट लेस देन राक्षस। बोलते हैं ना कि एक्चुअली कलयुग के जो राक्षस हैं यही लोग होते हैं। सो आई पर्सनली फील कि तो राक्षसों के साथ डील करने के लिए भी वैसे ही स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, वैसे ही कुछ यू नो रूल्स होने चाहिए, कुछ लॉज ऐसे होने चाहिए जिसके वजह से कि वो भी घबराए कि हाँ भाई कि ऐसा कुछ है, अगर कहीं से भी कुछ भी पता चला। और जैसे कि बहुत बार होता है कि विक्टिम को ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं रैदर देन अक्यूज, विक्टिम को ही बहुत सारी चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। सो रियली गाइज प्लीज़ डू लिटिल लाइक बी एम्पैथिक लिटिल, कि आप ज़रा सोचो, मतलब हाउ कुड यू से, मतलब 3 साल 4 साल ये सब तो हम लोग सोच भी नहीं सकते, सोचते भी तो मतलब हमारे खुद के रौंदे खड़े हो जाते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट दे गो थ्रू इन फैक्ट, बट डेफिनेटली वी रियली नीड टू हैव सम स्ट्रिक्ट लॉस अगेंस्ट इट। बिग बॉस के बारे में नहीं बात करूँगी बाबा अभी, नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस कहीं ना कहीं जानती है बहुत जल्द गुड न्यूज़ आने वाले, क्या कुछ बताना चाहेंगी आप? किस चीज़ का? हाँ प्रेगनेंसी का कुछ? ये किसने कहा आपसे? एक्चुअली हम ऑफकोर्स मीडिया पर्सन तो कहीं ना कहीं से रूमर्स निकल आते हैं, तो आप खुद बोल रहे हो रूमर्स निकल आते, तो जब रूमर्स है तो इस बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मूवीज़ के बारे में आपको कुछ पूछना है अभी? अभी मैंने देखा जस्ट सर आपको लोग दे रहे हैं कि कपड़ी होंगे, इतना कैरिंग कुछ बताना चाहें सर और आपके बॉन्ड के लिए? मेरे हस्बैंड है तो केयर करेंगे ना भाई, मेरे नहीं केयर करेंगे मेरे हस्बैंड किसका केयर करेंगे फिर? क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो 28 जून को हमारी मूवी कुकी रिलीज़ हो रही है आपकी नज़दीकी थिएटर्स घरों में, तो प्लीज़ जाइए मूवी देखिए और इन्जॉय कीजिए। और आई नो कल की भी आ रही है, पर कल की के साथ साथ प्लीज़ हमारी मूवी भी देखिए, 2 घंटा एक्स्ट्रा लेके जाइए, और जो कल की नहीं भी देख रहे वो भी कुकी देखने जाइए, क्योंकि आई एम श्योर कि ये मूवी में जो मैसेज दिया गया है ना वो घर घर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये एक हमारा एक छोटा सा लाइक माइक्रो 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 बोल सकते हैं कि उतना छोटा एक प्रयत्न है ताकि हम ये जो घिनौना क्राइम हो रहा है सिर्फ हमारे देश में नहीं बाहर में भी, तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा एक चेंज ला सके, उसमें हमारा यही कोशिश है। तो प्लीज़ हमारी इस कोशिश को आप भी जुड़िए इस कोशिश में और मदद कीजिए ताकि ये मैसेज घर घर तक पहुँचे। अभी उसकी पर्सनल लाइफ है, उस पर लोग ना सच्ची में निठल्ले हैं, जो खाम खा मतलब मैरिड कपल्स को जो ट्रोल करते रहते हैं, कोई काम धाम नहीं है उनके ज़िंदगी में, उनके लाइफ में क्या हो रहा है उसमें वो ज़्यादा अगर फोकस करेंगे तो शायद कुछ अच्छा कर लेंगे। रेदर देन अगर सोनाक्षी खुश है शादी करके तो लेट हर बी, या हु आर वी टू जज एंड वाई, मतलब सो इट्स समथिंग। वो निठल्ले लोगों का ही काम है, दिन भर जिनको काम नहीं होता वो कौन किसके साथ शादी कर रहे हैं वही देखते रहते हैं बस। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक विजिबल हो जाए सर।
अच्छे से खींचना। सो कुकी फिल्म में मैं कुकी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। इट्स द सेंट्रल लीड ऑफ द फिल्म और आज प्रेमियर शो है हम लोगों का। बहुत एक्साइटेड हूँ, एक बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, ये ऑडियंस बोलेगी, पर एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बनी हुई है फिल्म और प्यारी फिल्म है, पर एक मैसेज के साथ हम लोगों ने बनाई है। सो होपफुली ऑडियंस को अच्छी लगी है फिल्म। मेरे कोस्टार्स के साथ परफॉर्म करने में मुझे थोड़ा सा भी चैलेंज फेस नहीं किया मैंने, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। राजेश शेलांग सर, देवोलीना मैम, दीपानिता मैम, रितु शिवपुरी मैम, एवरीबडी वाज अमेजिंग। चैलेंजेस थे रोल के वजह से, बिकॉज द कैरेक्टर वाज अ बिट साइकोलॉजिकल ट्रॉमेटाइजिंग, सो उसमें थोड़ा चैलेंज आया, पर द एनवायरमेंट वाज वेरी कम्फर्टेबल। फैमिली जैसी एक एनवायरमेंट थी, तो उसमें चैलेंजेस नहीं आए मेरे। मैं ऑडियंस को एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने बहुत प्यार से और बहुत डेलिकेटली ये फिल्म बनाई है। आप लोग आइए देखिए, 28 जून को रिलीज़ हो रही है। अकेले मत आइए, पूरे फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए और गिव अस योर लव, गिव अस योर ब्लेसिंग्स। अगर अच्छा लगे तो बोलिए, अगर बुरा लगे तो भी बोलिए, हम लोग सीखने के लिए तो तैयार है। तो प्लीज़ कम एंड वॉच द फिल्म, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस टू सी इट फाइनली। Thank you। अरे यार पवन हिम्मत किया। हाँ चलो रेडी। हो गया क्या है भाई? है